The beautiful scenes and the unspoiled nature provide such a mesmerizing view that a person feels that he has come into another world. Nature has endowed Kashmir with implausible beauty and is rightly called paradise on earth. Kashmir is resplendent with stunning chenar trees that turn the entire valley yellow and red when the autumn arrives, silver lakes that turns golden at night, and oh, that crystal clear blue water. Hi guys, welcome back to my channel. I'm CS Diksha Joshi and अभी हम लोग हैं कश्मीर में. आई एम गोइंग टू मेक अ फुल व्लॉग सो दैट यू कैन ऑल्सो विटनेस ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल प्लेस. सो वॉच दिस व्लॉग टिल एंड. वेन एवर देर इज अ मेंशन ऑफ कश्मीर, वन जस्ट कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट दोज कलरफुल शिकारास एंड हाउस बोट्स ऑन द शिमरिंग लेक्स. It is a dream of every person who come here to spend a couple of days in houseboat on the Dal Lake. These houseboats are one of the prime attraction of Kashmir, and the trip to Kashmir remains incomplete if you have not had that one of a kind houseboat experience. So isi houseboat ke experience ko experience karne ke liye we are here इन श्रीनगर फॉर 3 डेज. तो ये है हाउस बोट जहाँ पर हम रुकने वाले हैं एंड इट इज सो ब्यूटिफुल यार. अभी तो हम अंदर गए ही नहीं है पर बाहर से ही काफी सुंदर है. तो ये है हमारा हाउस बोट. ये एक्चुअली बाहर एक सिटिंग एरिया है. ये डल लेक है, डल लेक पर ये बना हुआ है एंड ये हम लोगों का सामान लाने का चल. हाउस बोट्स आर बेसिकली फ्लोटिंग हाउस जो कि लेक के ऊपर बना रहता है. दीज हाउस बोट्स आर लाइक अ ब्लेंड ऑफ होटल एंड होम स्टे ऑन वाटर. ये पूरी वुडन होती है. इनके इंटीरियर्स जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं विक्टोरियन और टर्किश आर्किटेक्चर से. ट्रेडिशनली स्टाइल्ड सीलिंग्स रहती है, वुड पैनल्ड इंटीरियर है, हैंड कार्व्ड वॉल्स है. ये सब इन्हेंस करती है इसकी ब्यूटी को. जो फ्लोर है वो कवर्ड रहते हैं कश्मीरी कारपेट से ताकि ठंड के दौरान आपके पैरों पर गर्मी रहे. इनमें जनरली 3-4 बेडरूम्स रहते हैं, उनके साथ बाथरूम्स अटैच्ड रहते हैं एंड एक डाइनिंग एरिया रहता है और एक लिविंग एरिया रहता है. जो अभी हमने देखा दैट वॉज अ लिविंग एरिया और ये है डाइनिंग एरिया. यहाँ का ये पूरा वुडन है, पूरा आपको एक अलग तरह की वाइब देगा, एक महाराजा काइंड ऑफ वाइब देगा खाना खाते टाइम. प्लस इन हाउस बोट्स के अंदर एक डेडिकेटेड क्रू रहेगा जो कि आपकी मदद के लिए हमेशा रहेगा. लाइक यहाँ पे एक छोटी सी पेंट्री है तो आपको अगर अर्जेंटली चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए तो वो वहाँ पे देख लेंगे क्योंकि ये पानी के ऊपर बना हुआ है ना. तो आप चल के तो फटाफट बाहर नहीं जा सकते हो, आपको कोई लेने वाला रहेगा, कोई छोड़ने वाला रहेगा, वहाँ से आपको वापस लाने वाला रहेगा. तो ऐसे एक इन लोगों की छोटी सी क्रू रहती है जो कि आपको हेल्प करते हैं हर चीज़ में. एंड वन कैन एक्सपेक्ट 3-स्टार फैसिलिटीज़. आपको फैंसी इंटीरियर भी मिलेगा प्लस आपको वाईफाई वगैरह भी मिल जाएगा. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो आई एम रेडी एंड आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ ही जगह पर जाएंगे. ऐसे नहीं करेंगे कि सारे स्पॉट कवर करने के चक्कर में कुछ भी अच्छे से नहीं घूम पाए. थोड़ी जगह जाएंगे पर अच्छे से इन्जॉय करेंगे. और यशी बेन भी रेडी हो गई है. और अगर आप सोच रहे हो कि हम दोनों ने ये क्या सेम पहना है तो हियर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू. हम दोनों ने नहीं, हम सब ने सेम पहना है.
अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर फर्स्ट स्पॉट, और हमने हमारे जो हाउस बोट पे अंकल थे उनसे पूछा था कि कैसे जाने का रहता है, तो उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर बसेस चलती है, जनरली पब्लिक बसेस, जो कि आपको हर हर स्पॉट पे लेकर जाती है, तो आप वहाँ पे, आपको जहाँ पे उतरना है आप वहाँ पे उतर सकते हो। तो अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग उसमें बैठ के जाएंगे। तो जी बस तो आ गई, वैसे इसमें ऊपर भी है खड़े रहने का, पर ऊपर से ओपन है, तो हम लोग ने, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने तो डिसाइड किया कि अभी हम लोग यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद देखते हैं, मूड चेंज होता है तो ऊपर भी जा सकते हैं। और नीचे और ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ऊपर ही चलते हैं, एटलीस्ट बाहर के नज़ारे तो देख पाएंगे। तो हम लोग ऊपर आ गए, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब हर चीज़ इतनी सुंदर है, जिस तरफ देखो कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ है, और बहुत ब्यूटीफुल। एंड ये है कश्मीर की पब्लिक बस, ओपन बस, और काफ़ी भीड़ है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जब सब साथ में होते हैं ना, तो कहीं पे भी मजा लिया जा सकता है। एंड वी फाइनली रीच्ड अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज निशत बाग। ये कश्मीर का सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन है, एंड इट इज लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ डल लेक। निशत बाग इसे उर्दू में बोला जाता है, और इसका मीनिंग है गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्रेटनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट। एंड आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी है ईद की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। लुक एट दिस ब्यूटी यार, ये इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इतने अच्छे कलरफुल फ्लावर्स है, यहाँ के जो ट्रीज़ है वो भी बहुत अच्छे से कट किए हुए हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना, कि पीछे माउंटेन्स है और सामने है डल लेक, तो इतना ब्यूटीफुल लगता है। अभी तो थोड़ी धूप है, बट शाम को ये इतना सुंदर लगने वाला है ना, आई कांट टेल यू। और आपको पता है यहाँ पे इस गार्डन में इतनी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, और इतने सारे पुराने गानों की शूटिंग हुई है। एक उसमें से एक है, मैंने एक ख्वाब सा देखा है, जिसमें सुनील शेट्टी है शायद, वो भी यहाँ पे शूट हुआ है, तो पीपल हेयर आर लाइक ओ माय गॉड यहाँ पे शूटिंग हुई है। अब गार्डन तो हमने वैसे ऑलमोस्ट सारा घूम लिया है, काफ़ी ज़्यादा धूप भी है तो बहुत ज़्यादा हम नहीं देख पा रहे। अभी हमने सोचा थोड़ा सा ठंडा हो जाए मौसम, फिर ऊपर घूमने जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने, पास ही में बच्चे खेल रहे थे तो उनसे हमने रैकेट्स ले लिए, तो अभी हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। एंड द मेन थिंग इज़ कि यार पता है, घर वालों के साथ तो ना कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, वो बहुत ही प्रीशियस होता है, क्योंकि हम सब लोग घर से बहुत दूर रहते हैं, और जब घर वालों के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करने को मिलता है तो वी जस्ट एन्जॉय दैट। लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर, एंड आई विल शेयर विद यू ऑल सारी कश्मीर की मेमोरीज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। बाय बाय।